हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रानी गुप्ता का किचन। तो चलिए आज हम एक नई रेसिपी लेकर आ चुके हैं, आपके मेरे चैनल पर स्वागत है एंड वेलकम। तो चलिए आज हम एक नई रेसिपी लेकर आ चुके हैं। एक गिरोह जो कच्चू पत्ता होता है उसकी हम आज सब्जी बनाकर आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये सब्जी हम मछली के तरीके से कैसे बनाए हैं। तो देखिए हमने कच्चू पत्ता के गिरोह बनाकर पहले ही वो बॉयल करके रख लिया था। तो चलिए इसकी अब हम सब्जी बनाने के लिए केवल आपको रेडी कर कर दिखा रहे हैं। तो देखिए इस पूरे वीडियो में बन रही है छोटा सा एक वीडियो। देखिए हमने तेल गरम कर लिया था, सरसों तेल। तो इसमें एक एक कर कर अब हम पहले फ्राई कर लेते हैं। जैसा कि हम फ्राई करते हैं वैसे ही हमको फ्राई कर लेना है, तब इसकी हम सब्जी बनाएंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो देखिए इस रेसिपी को हम बनाते हैं। इसको फ्राई एकदम लाल कर लेना है, फ्राई एक तरह जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं वैसे ही एकदम। तो देखिए अब दोनों तरफ से हम पलट लेते हैं इसको। थोड़ा सा ही हम 6-7 गिरोज के पत्ते से कच्चू पत्ता से हमने बनाए थे। तो देखिए इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करें। अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी देखने है कि कच्चू पत्ता कैसे बनती है पकौड़ी या बॉयल कैसे किया जाता है इसके घाट को, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रही हूँ, उसको देख लीजिएगा आप ज़रूर। तो देखिए इधर दोनों तरफ से लाल हो गए थे, तो इधर हमने गोल मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर, लहसुन और सरसों ले लिया था। अब इन सभी को देखिए लाल हो चुका है, इन सभी को निकाल लेंगे। देखिए एक हरी मिर्च हमने ले लिया है, एक या दो आप जितना भी ले सकते हैं हम। ये सरसों का मसाला हमने पीस कर रेडी कर लिया था, उसको भी अब ऐड कर लेते हैं मसाले को। देखिए अब मसाले को अब हम फ्राई कर लेते हैं हल्का सा। तो हमारे पास टमाटर नहीं था तो इसमें थोड़ा सा हम नींबू का अचार डालेंगे जो घर में हम लोग बनाते हैं नींबू का अचार, वही हम मसल कर थोड़ा सा हम डाल देंगे। तो देखिए हमने हल्का सा जीरा पाउडर डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा लाल मिर्च डाल देंगे। सभी को अच्छी तरीके से अब हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारा मसाला हल्का फ्राई हो ही चुका था। फ्रेंड जरूर एक गिरोज की सब्जी बनाकर आप एक बार खाइएगा। तो देखिए हमने आधा का नींबू का अचार लिया था, उसको मसल लिए थे अपने हाथों से। अब इसमें पानी डालकर घोल बना लेंगे, इसको ही हम सब्जी में ऐड करेंगे जिससे हमारा खट्टापन आएगा। बिना सरसों का मसाला में खट्टापन के नहीं अच्छा लगता है सब्जी। तो देखिए हम अब पानी को ऐड कर देते हैं, मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। तो देखिए हमने पानी ऐड कर दिया है, आधा गिलास के करीब या 1 गिलास के करीब हम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो देखिए नींबू का पानी भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। अब दोनों पानी को हम एक खदकने तक, पानी हमारा जब तक खदक जाएगा तभी हम जो गिरोज के पकौड़े बनाए थे उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक भी हमने ऐड कर दिया है। देखिए इन सबको हम चला लिए हैं, तब एक एक करके हम गिरोज को ऐड कर देंगे ऐसे ही। गैस को लो फ्लेम में ही रखेंगे फिर, नहीं तो ये सब घुल जाएगा एक ही में। तो देखिए हमने बनाकर, देखिए हमने सभी को रेडी कर दिया। आप एक दो बार चलाकर आपको गैस को तेज नहीं करना है, इसे बंद कर देना है हल्का सा खदकने के बाद। देखिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं, इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है, तब इसको हम सर्व कर आपको दिखाएंगे। इसे रोटी या सब्जी या चावल के साथ आप खा सकते हैं, तो अपने घर में ज़रूर बनाइए। तो इस रेसिपी को देखिए हमारी कितनी मछली जैसी स्वादिष्ट रेसिपी तैयार होकर रेडी हो गई है।
ज़रूर अपने घर में बनाइए। हाँ, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड। आप वीडियो में प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा।